दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का कनेक्शन प्रयागराज से कितना गहरा और पुराना है, ये तो हम सभी जानते हैं। अक्सर उनकी बातों में अपने इस शहर का जिक्र होता है, लेकिन अब पूरी तरह मुंबई के हो चुके बिग बी को उनके ही शहर के निवासियों ने एक विशेष परियोजना से याद किया है। जी हाँ, अगले साल होने जा रहे कुंभ के मेले के लिए प्रयागराज के निवासियों ने अपने इस गंगा किनारे वाले छोरे को याद किया है। जब पूरी दुनिया संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने को बेताब है, ऐसे में यहाँ के निवासी थोड़े परेशान हैं। इसकी वजह है बिग बी का प्रयागराज ने आना। प्रयागराज नगर निगम की पार्षद मुमताज अंसारी ने एक पत्र के माध्यम से अमिताभ बच्चन से यहाँ आने का भावुक निवेदन किया है। उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा है कि कुंभ के दौरान अमिताभ बच्चन परिवार के साथ प्रयागराज आएं और कम से कम एक सप्ताह यहाँ जरूर बिताएं। बता दें कि अगले साल 15 जनवरी से प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ शुरू होने जा रहा है। इसमें महानायक अमिताभ बच्चन को प्रयागराज नगर निगम की पार्षद मुमताज अंसारी ने निमंत्रण भेजा है। उन्होंने प्रयागराज में जन्मे और पले बड़े अमिताभ बच्चन को पत्र के माध्यम से कहा है कि उन्हें कुंभ के मेले का ब्रांड अम्बेसेडर भले ही न बनाया हो, लेकिन प्रयागराज का बेटा होने के नाते उन्हें यहाँ पर कुंभ में परिवार के साथ आना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कुंभ में अभी भी काफी समय है, ऐसे में सरकार को प्रयागराज वासियों की भावनाओं को समझते हुए अमिताभ को कुंभ का ब्रांड एम्बेसेडर बना देना चाहिए। बता दें कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो चुका है से बेहद पुराना नाता है। प्रयागराज उनकी जन्म स्थली रह चुका है, साथ ही यहाँ के बॉयज हाई स्कूल में उनकी शुरुआती शिक्षा भी हुई थी। बॉलीवुड के शहंशाह बनने के बाद भी प्रयागराज से उनका गहरा लगाव बना रहता है। मुमताज के प्रति परवेज अंसारी अमिताभ बच्चन के साथ बिताए पलों का याद करते हुए बेहद भावुक हो जाते हैं। वर्ष 1984 में अमिताभ बच्चन के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद उनके चुनाव प्रचार में रहे परवेज बताते हैं कि किस तरह से प्रयागराज की जनता ने हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े राजनेता को हराकर अमिताभ बच्चन को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था। परवेज अंसारी मानते हैं कि अमिताभ बच्चन के कुंभ के मेले में आने से न केवल कुंभ मेले का ज्यादा प्रचार होगा, बल्कि मेले में ज्यादा लोगों के आने से स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार की नई नई न्यूज अपडेट पाने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद।